नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्नैचिंग या पॉकेट मारी या इतर जो एडवर्टाइजिंग जैसे गुने होते हैं, इन ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में हमेशा बीट मार्शल्स, पेट्रोलिंग मोबाइल्स, हमारा यूनिफॉर्म का स्टाफ पेट्रोलिंग करता है। इसी के साथ साथ हमारे जो डिटेक्शन के ऑफिसर्स और अमलदार होते हैं, ये प्लेन क्लोथ में पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसी ही पेट्रोलिंग करते वक्त कल 9 दिसंबर को बोरीवली पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन के स्टाफ जो है हमारे पुलिस सिपाही मेहर और पुलिस सिपाही गाढ़वे, इन दोनों को दो व्यक्तियों पर संशय आया। और जैसे ही इन्होंने इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो रिक्शा में बैठकर इन लोगों ने भागने की कोशिश की। पुलिस सिपाही मेहर और गाढ़वे इन्होंने तुरंत सतर्क होकर उन्हें रोकने की कोशिश किया तो उसमें का जो एक था वो बंदा रिक्शा के बार पर से राइट साइड से भागने लगा। उसी वक्त पुलिस सिपाही मेहर इन्होंने कई दूर तक उसका ट्रैफिक में से फॉलो किया और उसे सफलतापूर्वक अपने हिरासत में लिया। साथ ही साथ गाढ़वे जो हमारे पुलिस सिपाही है, इन्होंने दूसरा जो संशयित था उसे भी हिरासत में लिया। दोनों को पुलिस स्टेशन लाने के बाद पता चला कि ये दोनों आरोपी जो है ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं, या इनका कोई अभी तक रहने का ठिकाना कुछ पता चला नहीं है। और दोनों को हिंदी या महाराष्ट्र की कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए दुभाषिक के मदद से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इन्होंने दो घटनाओं को कल अंजाम दिया है। इसमें एक गाड़ी के कांच फोड़ के लैपटॉप और कुछ साहित्य चोरी किया था, साथ ही साथ दूसरी एक गाड़ी पे टक-टक करके उसका ध्यान आकर्षित करते हुए गाड़ी में से रकम और कुछ सामान चुराया था। दोनों आरोपियों को CRPC 41D के तहत अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही साथ जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में ऑफेंसेस पुलिस स्टेशन बोरीवली यहां दाखिल किए गए हैं। दोनों आरोपियों के आगे की छानबीन चालू है। इसमें सीनियर PI बोरीवली, उनके PI क्राइम डिटेक्शन स्टाफ के ऑफिसर और अमलदार आगे की छानबीन कर रहे हैं।